विजय दिवस के मौके पर पूरे मुल्क की तरह पुंछ में भी की गई तकरीबात मनाकर फौज की जानिब से गुलपुर में रन फॉर यूनिटी के तहत लगाई गई दौड़। सैकड़ों की तादाद में नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों और बच्चियों ने की शिरकत। करगिल शहदा को किया गया खराज तहसीन पेश। फौज की जानिब से शुरका में इनामात किए गए तकसीम। के प्रतिनिधि, भूतपूर्व सैनिक साहबान, वीर नारियां, मीडिया के मेरे दोस्तों, मैक्स इंश्योरेंस के प्रतिनिधियों, मैं आप सबका तहे दिल से आज के इवेंट में। समाज सेवा सोसाइटी ने भी करगिल दिवस के मौके पर शहदा को किया खराज तहसीन पेश। शहदा की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर किया याद, कहा करगिल की युद्ध काफी कुर्बानियों के बाद जीती गई। आज का दिन 26 जुलाई 22वां जो है विजय दिवस मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास से पूरे देश के बीच। आज पुंछ के बीच भरतपुर एरिया में समाज सेवा सोसाइटी और समाज सेवा सोसाइटी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब ने मिलजुल करके उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है जिन्होंने 99 में वहां पर शहादत दी करगिल में और दुश्मन देश को वहां से खदेड़ के पीछे किया। मेडिकल स्टोर एसोसिएशन पुंछ के बैनर तले आज दवा फरोशों का एहतजाज। जिला अस्पताल के बाहर एहतजाज में इंतजामिया को बनाया तनकीद का निशाना, कहा कोविड-19 के एहतियाती तदाबीर की आड़ में इंतजामिया के ऑफिसरान दवा फरोशों को कर रहे हैं हरा। राजौरी के चटियार में सड़क हादसा पेश। मुकामी तिब्बी मरकज में सहूलियात न दर्द होने की वजह से इलाज के लिए जख्मी शख्स को राजौरी ले जाया गया, रास्ते में ही शख्स हो गया अजां। मुकामी लोगों ने तिब्बी मरकज में बुनियादी सहूलियात फराहम करने का किया इंतजामिया से मुतालबा। इतना बड़ा हॉस्पिटल चटियार, इसके अंदर एक बंदा बैठा के रखा हुआ जिसको डॉक्टर भी नहीं है, वो पेशेंट को चेक भी नहीं कर सकता और उसके पास ड्राइवर अवेलेबल नहीं था, उसने घर से ड्राइवर मंगाया है और उसकी गाड़ी टेक्निकल खराब है और राजौरी से गाड़ी आई है, वो राजौरी से गाड़ी 2 घंटे में या 3 घंटे में 2 घंटे लगे हैं। राजौरी के नारिया में भी विजय दिवस पर मुसवरी मुकाबले का किया गया एहतमाम। मुकामी बच्चियों ने करगिल की जंग के मनाजिर की तस्वीर बनाकर अपने हुनर का किया इजहार। फौज की जानिब से इनामात किए गए तकसीम। नाम आशा है, मैं विलेज नारिया से हूँ। यहाँ पर हमारे स्कूल में नारिया में प्रोग्राम था आर्मी की तरफ से, उन्होंने कंपटीशन करवाया है करगिल विजय दिवस पर। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा हमें, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बच्चों का प्राइज़ हुआ, बाद में रिफ्रेशमेंट भी दी इन्होंने और आर्मी ने हमेशा हमारा सहयोग हर जगह में दिया है। आज भी बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पर प्रतियोगिता करवाई। नारिया के सरपंच ने फौज का किया शुक्रिया अदा, करगिल के शहदा को किया खराज पेश। आज हमारे यहाँ 26 जुलाई के दिन यह कारगिल विजय दिवस को हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया है अपने हमारे उन शहीदों को जो कारगिल में यहाँ
पे जो 15 राजपूत है इनकी तरफ से यहाँ एक ड्राइंग कम्पिटिशन एक ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें यहाँ पे पार्टिसिपेंट को यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, साथ में रिफ्रेशमेंट अलाटमेंट की गई। यहाँ पे हमारे पिंड नारियाँ स्कूल में यहाँ के जो पूरा स्टाफ है इन्होंने पूरा कोऑपरेट किया यहाँ पे, और यहाँ पे एक आर्मी की तरफ से जो उनकी हेल्प है, एक जो गाइडलाइंस यहाँ पे बच्चों को दी गई उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिला तरक्याती कमिश्नर शुपियन ने यौम आज़ादी के इंतजाम को लेकर ऑफिसरान की मीटिंग मुनक्कद की, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल के बाद लिए अहम फैसले। अरेंजमेंट आप कर दिया सीटिंग अरेंजमेंट AI जो भी लिस्ट आप इतना लेट क्यों आते हैं मीटिंग सारे के लिए वहाँ हम बच देते हैं जिन टेक रहेगा ठीक है ना बस इस बार तो मेन चीजें हैं कि PDC वगैरह आ गए हैं तो इनको भी इनविटेशन देना है इनकी सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से करना है इंतजाम थोड़ा अच्छे से कर दीजिए। पूरे जम्मू कश्मीर में हफ्तावार लॉकडाउन हटाए जाने के बाद आज कश्मीर के बाजारों में रही चहल पहल, मुकामी लोगों ने इंतजामिया के फैसले को सराहा। सदर जमहूरिया के कश्मीर दौरा के दौरान मुख्तलिफ सड़कों पर तलाशी मुहिम की वजह से जाम नजर आए, ट्रैफिक पुलिस ने जाम किया खत्म। गुरेज को जाने वाली कौमी शाहराह खस्ताहाली का शिकार, नकासे आप सही न होने की वजह से कौमी शाहराह नाले की सूरत इख्तियार किए हुए है, मुसाफिरों को हर रोज करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना।